तो नेक्स्ट देखो, ऐसे तो अप्रोक्सीमेटली 11 क्लास होती है आपके एल्गी के क्लासिफिकेशन में, बट हम मेनली सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस को पढ़ रहे हैं, जिसमें ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी इम्पॉर्टेंट है. क्लियर? तो लास्ट वन इज रोडोफाइसी, कॉमनली नोन एज रेड एल्गी. ठीक है, रेड एल्गी है, इट मीन्स कि इसमें कौन कौन सा पिगमेंट होगा बेटा? एक दो पिगमेंट के नाम बताओ. एक ही का बता दो जो प्रेजेंट ही होगा, जिसके लिए तुम लोगों को सोचना ना पड़े. रेड, ओके. पिगमेंट, पिगमेंट कुछ तो सोचो. एक पिगमेंट का नाम पूछा मैंने. आर फाइको एरिथ्रिन तो अभी हम बताएंगे बेटा. क्लोरोफिल ए, ठीक है, एक पिगमेंट जो प्रेजेंट होगा दैट इज क्लोरोफिल ए. क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ कि तुरंत ये आंसर आ जाना चाहिए. चलो, द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस. एक टर्म होता है बेटा डोमिनेटिंग, एक होता है रिसेसिव. ठीक है, तो जो डोमिनेट करता है वो दिख जाता है. तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा छोटा भाई होगा तो तुम उसके ऊपर डोमिनेट करोगे. ठीक है, कभी कभी केस में छोटे भाई भी डोमिनेट कर जाते हैं जिसके ज्यादा धाक रहे घर में. तो जो डोमिनेटिंग होगा वो कैरेक्टर आपको दिखेगा. तो प्री डोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, इट मीन्स कि यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, पिगमेंट और भी प्रेजेंट है, बट डोमिनेंस किसका है? आर फाइको एरिथ्रिन. ठीक है, एकदम यहीं पे आज की आज ये पिगमेंट का नाम याद हो जाना चाहिए. क्वेश्चन बन सकते हैं आर फाइको एरिथ्रिन. ठीक है, इन देअर बॉडी या थैलस. मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन, तो इट मीन्स कि आपको सबसे ज्यादा मैराइन एल्गी थियोफाइसी में दिखी, रोडोफाइसी में दिखी, बट क्लोरोफाइसी कैसे थे? ग्रुप ऑफ द एल्गी विच इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर एल्गी. ठीक है, थियोफाइसी में भी टर्म देखना, मोस्टली लगा था यूजुअली मैराइन, इस तरीके से टर्म था. यहाँ पे भी दिया हुआ है मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन. क्लियर, विद ग्रेटर कंसेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया, टेम्परेचर हाई होता है एरिया में ये ग्रो करते हैं. दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, मीन्स उस रीजन में जहाँ अच्छे सनरेज हो. ठीक है, क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन ओशियन. ठीक है, आप एक्वेटिक अगर हम लोग जब पढ़ेंगे इकोलॉजी पूरा, वहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में. जो सिस्टम होते हैं इसके भी इंटरनल कई लेयर्स होते हैं, तो एक जो डेप्थ की लेयर है वहाँ तक आपकी सनलाइट नहीं पहुँचती है, तो ये दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकता है. ठीक है, सर्फेस पर भी ग्रो करने वाली एल्गीज आपको दिखेंगी, डेप्थ जहाँ लाइट नहीं पेनिट्रेट कर रही, लाइट नहीं पहुँच रही है, वहाँ पर भी ये ग्रो करेंगी. वे आर रिलीवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट. ठीक है, लो अमाउंट में भी लाइट प्रेजेंट होगा. एक बार मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे आप कोई प्लांट रख दिए हो रूम के अंदर, और हम लोग नॉर्मली दिन के टाइम में उजाला होता है, ठीक है, रोशनी होती है घरों में, तो हम ये सोचे कि इसको सनरेज नहीं मिल रही और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, जहाँ उजाला है, जहाँ जला है, वहाँ पे सनरेज पहुँच रही है और उससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है. उसमें फोटॉन्स होंगे, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, पूरी मैकेनिज्म चलेगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा एंड ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर लेगा. क्लियर, द रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर. अब ये रोडोफाइसी ये क्या है? हायर एल्गी. ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि कारा एल्गी मैंने जो बताई आपको वो क्लोरोफाइसी की एल्गी है और वो हाईली इवॉल्व्ड एल्गी है, मतलब विच हैव सम कॉमन फीचर्स विद द ब्रायोफाइटा. ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट में हम देखते हैं वो क्या हुआ. कुछ मैसेज कर रहे हो तुम मैम, योर वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग, वाई, क्या करें? एक मिनट जो जरा मैं स्पीड चेक करूं कितना आ रहा है. मिनट जस्ट वेट बिट. दोनों वाईफाई के सिग्नल एक ही जैसे आते हैं सर, वॉइस का इशू बता रहे बच्चे. हाँ, 10 Mbps तो आ रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रही है क्या? हेडफोन से नहीं? ठीक है आपके पास?
तो इसका कुछ इनपुट वगैरह तो नहीं रहना होगा? अभी बताना तुम लोग, प्राइस में कुछ पहले से चेंज है? सेकंड हल्का फुल्का फ्लक्चुएट कह रहे मैडम, समझ में आ रहा था कैंटीन। चलो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि तो हम आपसे कह रहे थे कि फियोफाइसी और रोडोफाइसी की जो एल्गी होती हैं, ये मोर इवॉल्व्ड एल्गी में आती हैं, हाईली इवॉल्व्ड रहेंगी, तो इसमें आपको यूनिसेलुलर एल्गी रिपोर्ट नहीं मिलेगी, मोस्टली आर द मल्टी सेलुलर। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट आप अपने लेवल पे ध्यान में रखो कि मल्टी सेलुलर है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि है तो वो थैलाइट, बट उनके स्ट्रक्चर, उनके लाइफ साइकिल, जो उनका डेवलपमेंट है, गैमेट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोटिक डेवलपमेंट, इन सारी चीजों में आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी। क्लियर? सिंपल नहीं है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। ये साल का क्वेश्चन है, 2020 में आया था ये। फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। यही क्वेश्चन था कि फ्लोरिडियन स्टार्च किसके किससे सिमिलरिटी शो करता है। अब फॉर एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये कवर होगा, बट सिंपली आप यहाँ पे इतना समझ लो कि जो आप बोलते हो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट उसी का एक डेरिवेटिव है, लॉन्ग चेन पॉलीमर है, एमाइलोपैक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरीके से फ्लोरिडियन स्टार्च भी डेरिवेटिव है और उसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, इट लुक्स लाइक एमाइलोपैक्टिन। केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंसेस होगा, देखिए is very closely related to amylopectin and glycogen. Clear? Glycogen क्या होता है बेटा? Animal starch. पहले भी मैंने बताया ये चीज, ये भी आपको एक direct question है, repeatedly पूछा जाता है, animal starch. Starch जो होता है वो animal में नहीं पाया जाता है, food storage in form of glycogen होता है, तो glycogen को हम लोग animal starch भी कहते हैं। Is it clear? किसी को यहाँ पे कोई doubt? अटेंटिव है ना, रेड एल्गी पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेंगी चीजें थोड़ी। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। नाउ अगेन रिप्रोडक्शन पे आ जाए, हम लोगों ने पिगमेंट देख लिया, स्टोरेज फूड देख लिया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, हैबिटेट देख लिया, सारी चीजें होगी। आपको कैरेक्टर वाइज बस डिफाइन करना है, ठीक है, इस क्लास के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो नाउ विद रिस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव बिना कुछ सोचे समझे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, एल्गी, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी, इनका सबसे फेवरेबल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? जस्ट अपनी बॉडी के फ्रेगमेंट कर लो और हर एक फ्रेगमेंट ग्रो करके नई एल्गी को प्रोड्यूस कर दे। तो सबसे फेवरेबल मोड, एंड फेवरेबल मोड जब मैं बोलूँ, इट मीन्स कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे वो ग्रो कर रही है वो इन्वायरमेंट उनको फेवर कर रहा हो रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर? एंड then they reproduce by the fragmentation. Clear? कोई doubt? क्या हुआ, क्या message कर रहे हो? Voice buffer हो रही है, तो clear कैसे हो रहा है तुम लोगों को? कुछ clear भेज रहे हो, कुछ बोल रहे हो, voice buffer हो रही है, क्या बात है भाई, तुम लोग की तरफ से इशू होगा फिर नेटवर्क का भी। जस्ट अपने सिस्टम की बाकी एक्टिविटीज को बंद कर दो। ठीक है, अभी कंटिन्यू रखते हैं। इफ वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर होता है, ये अगेन आपको रिमार्केबली नोट डाउन करना है। कोई भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, इनफैक्ट इनके लाइफ साइकिल में आपको नॉन मोटाइल गैमेट भी दिखेंगे, नॉन मोटाइल स्पोर भी दिखेंगे, ना गैमेट में कहीं फ्लैजिला दिखेगा, ना आपको स्पोर में कोई फ्लैजिला दिखेगा। क्लियर है? तो नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट,
क्लियर, इसमें आइसोगैमी नहीं होगा, एनाइसोगैमी नहीं होगा, एनाइसोगैमी का स्पेसिफिक टाइप होगा ओगैमी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ओगैमी में आपके फ्लैगेलेटेड वाले नहीं आएंगे, इट इज अ मिस्टेक अगेन, इट इज अ काइंड ऑफ एनाइसोगैमी, ठीक है, फ्लैजिला नहीं होगा, तो आप इसको स्पेसिफिकली ओगैमी नहीं कर सकते, दिस इज अ एनाइसोगैमी, क्लियर। आपको मैंने बता रखा है कि जब एनाइसोगैमी और आइसोगैमी को आप रिलेट करोगे आपस में, तो दैट इज वाइस, मतलब एक दूसरे से रिलेट होते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली वेरिएशन है गैमेट्स में, तो हम एनाइसोगैमी कहते हैं, क्लियर, एंड अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब ये आपको डिकोड करना है इस लाइन को, ये क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आपको कहा क्या लिखा है यहाँ पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद की बात हो रही है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, ध्यान से देखना, मेल फ्यूज के क्या बनेगा, जायगोट, पड़ी, एन एन टू एन, क्लियर। अब जायगोटिक मियोसिस होती है नॉर्मल केस में, मियोसिस होती है, बट रोडोफाइसी के केस में डायरेक्ट जायगोटिक मियोसिस ना होके एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है जायगोट, जिसको नोट डाउन कर लोगे, कहते हैं कार्पोस्पोर, इसको तुम्हें नोट करना है बेटा, ठीक है, कार्पोस्पोर फॉर्म होता है, उसके बाद ये डिवाइड करता है, तब जाके न्यू बॉडी को फॉर्म करेगा, ठीक है, वहां पे मियोसिस होगी, कार्पोस्पोर में मियोसिस होगी, एंड देन हैप्लॉइड बॉडी बनेगी, किसी को डाउट, जो ये आपका कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट लिखा है, इसका मैं शॉर्ट नोट दे दूंगी तुम लोग को, कार्पोस्पोर के फॉर्मेशन से ये डेवलप होगा, ठीक है, इसमें जायगोट के बाद जायगोटिक मियोसिस नहीं होगी, इस स्टेप को ध्यान में रखोगे, जायगोटिक मियोसिस नहीं होगी, जायगोट कन्वर्ट होके एक स्पोर बना लेगा, दैट स्पोर इज कार्पोस्पोर, एंड कार्पोस्पोर में मियोसिस होगी, यहाँ तक ये डिप्लॉयड स्टेज है, इसके बाद आपकी मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद ये आ जाएगा हैप्लॉयड में, कोई डाउट, उसमें भी चार बनेंगे, चार में एक सर्वाइव करता है, तीन डिजेनरेट हो जाते हैं, ये सारी चीज मैं एक शॉर्ट नोट आपको दे दूंगी, क्योंकि ये आपको जानना चाहिए, कोई डाउट यहाँ पे, क्लियर है, तो जो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, इट मीन यहाँ पे नॉर्मल डेवलपमेंट से वेरिएशन होगा, एंड दैट वेरिएशन इज इन द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, क्लियर, इन नॉर्मल केस जायगोट अंडरगोज मियोसिस डिवीजन, दैट इज जायगोटिक मियोसिस, एंड आफ्टर जायगोटिक मियोसिस जो आपके वहां पे स्पोर बनेंगे वो जर्मिनेट होंगे, तो फॉर्म करेंगे हैप्लॉइड बॉडी को, ठीक है, क्लियर है, और आपको माइंड में हमेशा ध्यान में रखना है कि एल्गी की जो प्लांट बॉडी है दैट इज हैप्लॉइड, ठीक, इसके कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में जो दिए हैं उसको प्राइमरी आपको प्रेफरेंस देनी है, तो जस्ट मार्क कर लेना इनको, और एक टेबल बना लेना, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, नाउ क्वेश्चन फॉर यू, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनकी, फटाफट बताओ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कहाँ पे यूज होती है, फास्ट रिप्लाई करो बेटा, सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी एकदम, ग्रो इन माइक्रोब्स, ओके करेक्ट, आइसक्रीम, जेली, ठीक है, कंटेंट अगार, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है वो अगार, अगार एंड अगार उसको फॉर्म किया जाता है, ठीक है, इनके लिए एक वर्ड मैंने दिया था एगेरोफाइट्स एल्गी, याद आया कुछ, एगेरोफाइट्स वो प्लांट्स, विटामिंस प्लांट, वो प्लांट्स जिसे अगार प्रोड्यूस होता है, जिनसे अगार ऑब्टेन किया जाता है, दैट आर एगेरोफाइट्स, तो यहाँ आपको एक शॉर्ट नोट्स यहाँ पे मेंशन कर लेना, दे आर एगेरोफाइट्स, ठीक है, अगार ऑब्टेन फ्रॉम देम, एंड पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा, ठीक, जस्ट हम लोग आ जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो इमेज था दिया हुआ उसमें आ जाते हैं वापस, क्योंकि तीनों क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, तो एक बार आप इस पर फोकस करो, देखो यहाँ पे आया था जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरियम, ठीक, इस इमेज पे आ जाते हैं, जो फर्स्ट लाइन आपकी, आपका दोनों स्लाइड में एक ही फिगर में दिया हुआ है बेटा, तो वहां पे आप फोकस करना, जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें मैंने क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी को रखा है, एंड नेक्स्ट स्लाइड में रोडोफाइसी है, क्लियर,
क्लोरोफाइसी में हम लोग देख रहे हैं कॉलोनियल एल्गी का नाम दिया है वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स का फिगर दिया हुआ है। लेवलिंग के लिए आएगा क्वेश्चन तो जस्ट इसके जगह आपको ए और बी कर देगा और लेवल पूछ लेगा। तो यू शुड रिमेम्बर दैट दिस पोर्शन इज डॉटर कॉलोनी एंड दिस लार्ज पोर्शन इज पेरेंटल कॉलोनी। क्लियर? सेम वे में दिस इज स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स है, अनब्रांच्ड है यूलोथ्रिक्स कि कोई भी लेवलिंग नहीं दिया हुआ है तो आप बस आइडेंटिफाई करने पाए तो आपको ध्यान में रखना है। नाउ फियोफाइसी में आप देख रहे हो, फियोफाइसी में फर्स्ट वन इज लैमिनेरिया, सेकेंड वन इज फ्यूकस एंड थर्ड वन इज डिक्टियोटा। क्लियर? लैमिनेरिया, फ्यूकस, आपको एनसीईआरटी के ही फिगर आएंगे बेटा, इसलिए ये ध्यान में रखोगे। अब हम तो तुम्हें मॉडिफाइड फिगर दिखा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फिगर को, लेकिन क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा। तो इसकी लेबलिंग से क्वेश्चन आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है बेटा, पूरी यहाँ पे एक डाइवर्सिटी आपको दिख रही है। ध्यान से देखो, होल्ड फास्ट बताया मैंने कि ये कैसे वाटर में होंगे, जहाँ पे वाटर बह रहा होगा, रनिंग वाटर में, ठीक है, इनका प्रेजेंस, ये कैसे वाटर में ग्रो कर रही होंगी, रनिंग वाटर में। रनिंग वाटर में हाइड्रोकोलाइट एटमोसफियर बनाना और किसी सरफेस से अटैच रखना अपने आप को, ठीक है, उस अटैचमेंट के लिए ये अपने होल्ड फास्ट का यूज करें। होल्ड फास्ट को डिलीट करके यहाँ पे आपको ए कर सकता है या मैच दो कॉलम में कर दे या कुछ भी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। होल्ड फास्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकला है, दैट इज इट्स टाइप, एंड द लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फ्रॉन्ट। तो आप इस लेवल को ध्यान में रखो। क्लियर बेटा? इस टाइप फ्रॉन्ट, ये फोटोसिंथेटिक एरिया होता है होल्ड फास्ट, इस टाइप हर एक इंफॉर्मेशन जो मैं दे रही हूँ बेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट, सब अटेंटिव होकर सुनो। फिगर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिगर के बेसिस पे एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं उस चीज पे फोकस करना है आपको। नाउ टॉक अबाउट द फ्यूकस, फ्यूकस में आपको दिख रहा है एक अगेन ये थोड़ी सी डेवलप्ड एल्गी दिख रही है, एक आपको लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है, और जैसे आप आम की पत्ती देखोगे उसके बीच में एक मिडरिब जाती हुई स्ट्रक्चर दिखता है, उसी तरीके से यहाँ पे मिडरिब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट दैट इज नॉट अ ट्रू लीफ। इसके बीच में फ्यूकस की कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आता है एयर ब्लैडर का। एयर ब्लैडर मींस इस जो कैविटीज हैं इनमें एयर फिल होगा, एयर फिल होने से क्या होगा, इनको प्रोटीन हेल्प मिलेगा, ठीक है, जो होल्ड किया हुआ है, होल्ड फास्ट है, सबस्ट्रेट से होल्ड करके रखा है, उस सरफेस पे एनवायरमेंट में इन्हें फ्लोट करने में हेल्प मिलेगा। अब ये नहीं कि ये बह के कहीं और चले जाएंगे, ये नहीं कह रही हूँ मैं, होल्ड फास्ट है मतलब वो अटैच्ड हो गया, सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखा है, रनिंग वाटर में प्रेजेंट होगा। क्लियर? एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रंट, यहाँ मिडरिप से आप कंफ्यूजन कर सकते हो क्योंकि मिडरिप इज अ पार्ट ऑफ लीफ, जब हम लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां हम आपको पढ़ाएंगे वेनस स्ट्रक्चर होता है मिडरिप, ठीक है, यहाँ पे भी सेम वे में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोल प्ले करता है ये, लेकिन ये ऐसा डेवलप्ड मिडरिप नहीं है जो आपको हायर प्लांट्स में दिखता है टेरिडोफाइटा से। क्लियर? नाउ लास्ट वन इज डिक्टियोटा, डिक्टियोटा में भी आपको ब्रांच दिख रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है डिक्टियोटा का, एंड फ्रॉन्ट दिख रहा है। क्लियर बेटा? इस टाइप दिख रहा है, होल्ड फास्ट होगा यहाँ पे भी। क्लियर है? एंड लास्ट वन इज रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को रिप्रेजेंट करने के लिए पोर्फायरा है एंड पॉलीसाइफोनिया। तो आपको ये इमेज कंफ्यूज कर जाएगा, दिस इज एन एल्गी, आप माइंड में नहीं रखोगे तो ये कभी भी आएगा एग्जाम में, तो आपके दिमाग में बैठा होगा कि एल्गी तो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, तो आप इसको कभी एल्गी नहीं देख करोगे, बट दिस इज अ पॉलीसाइफोनिया, हाईली इवॉल्व्ड एल्गी जिसका स्ट्रक्चर ब्रांचेस और मेन एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट दैट नॉट ट्रू ब्रांचेस, नॉट ट्रू मेन एक्सिस एंड नॉट ट्रू लीफ। क्लियर? तो जस्ट मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस, जैसे थैलस को ग्रो करना है तो थैलस ग्रो करके इस तरीके के स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, सिंपली पोर्फायरा में आपको दिख रहा है पूरी ये स्प्रेड की हुई दिखेगी। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ से? फ्लोटिंग फ्लोटिंग एयर फिल रहेगा, तो जैसे आप सपोज बायोन्सी एक फिनोमिना होता है फिजिक्स का जिसके थ्रू आप फ्लोट कर सकते हो, ठीक है, उसमें आपके एयर फिल रहेगा तो आप सरफेस पे फ्लोट कर सकते हो। क्लियर? जिस तरीके से आप स्विमिंग करते वक्त ट्यूब वगैरह यूज करते हो वही फिनोमिना।
ठीक है, आगे मूव करें। नाउ क्या लगता है, खत्म हो गया सब एलजी कंप्लीट अपनी? कुछ बाकी है? टेबल बाकी है, ठीक है। और क्या लगता है, खत्म हो गया? जी नहीं, ठीक है। अभी तक तो मैंने आपको एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के बाहर हम ले ही नहीं गए, हम यही देखना चाहते थे कि कितने बच्चे समझ पाते कि खत्म हो गया या नहीं खत्म हो गया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो पहले हम टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। टेबल में समरी फॉर्म में लिखा हुआ है जो आपने पढ़ा है वही। नाउ क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, मेजर पिगमेंट ए बी ए सी ए डी। पहले मैंने क्लोरोफिल को मार्क किया है, ठीक है बेटा। ए देखो सब में कॉमन है, बी क्लोरोफाइसी बी में पाया जाता है, एंड सी फियोफाइसी में, एंड डी ये आपको याद करना पड़ेगा, सी एंड डी ये आपको कहाँ मिलेगा, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में। रोडो में डो डो जो आता है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो, डी फॉर डी रोडो में आ रहा है एंड क्लोरोफिल का डी पिगमेंट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज फ्यूकोजेंथिन फॉर ब्राउन एंड फाइको एरिथ्रिन फॉर रोडोफाइसी रेड एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि स्टोर्ड फूड क्या है, फूड स्टोर किस फॉर्म में है, स्टार्च, मैनिटोल, लैमिनेरियन, फ्लोरिडियन स्टार्च, एंड यहाँ पे आपका मिसिंग है, नोट डाउन कर लो, ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है, तरी में था यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोरेज रहते हैं क्लोरोफाइसिन में। सेल वॉल, सेलुलोज और पैक्टोज कॉमन एल्गी का कैरेक्टर है वो, सेलुलोज एंड एल्जीन, एल्जीन की जिलेटिनस कवरिंग, एंड सेलुलोज एक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कुछ भी आपका क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है बेटा, इसलिए इस टेबल को आप ध्यान से देखो। फ्लैजुलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, फ्लैजुला कितने नंबर में है और उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखो, किसी के एपेक्स पे कोई चीज होती है तो उसको एपिकल बोलते हैं, साइड में होती है तो उसको लैटरल बोलते हैं, क्लियर। इक्वल 2 to 8 फ्लैजुला, क्लोरोफाइसी में डाइवर्सिटी है, फ्लैजुलेटेड स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी वॉलवॉक्स की कॉलोनी भी सिनोबियम जो है वो भी फ्लैजुलेटेड कॉलोनी होती है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है वो भी फ्लैजुलेटेड है, क्लोरेला आपने देखा था वो फ्लैजुलेटेड नहीं है, तो एक्सेप्शन भी आपको ध्यान में रखना है। 2 to 8 नंबर ऑफ फ्लैजुला हो सकती है, इक्वल एंड एपिकल ओरिजिन मीन्स एपेक्स पे रहेंगे। तो आप जस्ट फिगर समझने के लिए एक छोटा सा ड्रॉ कर लो, एंड इसका पोजिशन एपेक्स, इसका लैटरल, यहाँ अभी इतने की जरूरत है, डॉटल वेंट्रल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। फियोफाइसी में 2 and unequal लैटरल, ठीक है, रोडोफाइसी में अब्सेंट होते हैं, ना आपको स्पोर में फ्लैजुला दिखा, ना गैमेट में फ्लैजुला दिखा, ना ही आपको जो पूरी की पूरी प्लांट है उसमें ही आपको फ्लैजुलेटेड स्ट्रक्चर दिखेगा, क्लियर। नाउ हैबिटेट, फ्रेश वाटर, ब्लैक वाटर, सॉल्ट वाटर, ठीक है, झील में, तालाब में, नदी में, सी में, ठीक है, हर जगह पे जो एल्गी सबसे डाइवर्सिफाइड ग्रो कर रही है दैट इज फ्रेश वाटर। फियोफाइसी फ्रेश वाटर रेयर था, ये भी आपका रेयर रहेगा, ठीक है। ब्रैकिस वाटर, सॉल्ट वाटर, ये सब सी वाटर के ही वेरिएशन हैं, मैराइन वाटर के, उस जगह पे ग्रो करेंगी फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, क्लियर। अब इसके साथ में एक कॉलम आप बनाओगे जिसमें आप नोट डाउन करोगे इनके एग्जांपल, जो फिगर आपको दिए हुए हैं, जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जस्ट यहाँ पे आप एक कॉलम ऐड करके उन एग्जांपल्स के नाम लिखोगे, क्लियर, तो टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट? ब्रैकिस वाटर इज नॉट एक्चुअली सी वाटर एंड नॉट एक्चुअली फ्रेश वाटर, इनके बीच का, फ्रेश वाटर से सैलिनिटी उसकी ज्यादा होगी एंड सी वाटर से कम होगी, ठीक है ना। अब आपको नोट डाउन करने की चीजें आनी, जो आपको नोट डाउन करना है, तो जस्ट यहाँ से आप अटेंटिव रहेंगे, ये सारी नोट आपको बनाने, इससे पहले जो भी मैंने पढ़ाया पूरे एलई में, एक्सेप्ट सम एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने बोला है और फिगर जो आपको दिखाया, उसके अलावा सब एनसीईआरटी से है, उसको आपको एनसीईआरटी में मार्क करके रखना है,
ठीक, अब जो आपको रिमेम्बर रखना है और बियॉन्ड द एनसीईआरटी है वो आप नोट डाउन कर लोगे हर एक पॉइंट. इन एल्गी मिनिमम क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर मिनिमम कितना है, एल्गी की प्लॉइडी कितनी है, हैप्लॉइड. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर मिनिमम कितना है, 2. ठीक है, तो जाइगोट में क्रोमोसोम इसके कितना होगा, 4. क्लियर? ठीक है, मैक्सिमम एग्जांपल है इसका पोटेरिया लैनियरिस. ठीक है, एल्गी का नेम है. इन एल्गी मैक्सिमम क्रोमोसोम नंबर नेट्रियम डिजिटलिस, ये बहुत इंटरेस्टिंग नेम है, इसको याद करना भी बहुत इजी है. हाई है, क्रोमोसोम नंबर हाई है, नेट यूज करते हैं, डिजिटल यूज कर लेते हैं. ऐसी एल्गी जो नेट्रियम डिजिटलिस हो वो क्या है, मैक्सिमम क्रोमोसोम नंबर को बियर कर रही है. अब इसके हैप्लॉइड केस में आप देखो 592 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. इन फ्लैजेला ऑफ यूकैरियोटिक एल्गी 9+2 अरेंजमेंट, किस चीज का अरेंजमेंट है ये, क्वेश्चन है 4. ठीक है, तुम लोग आंसर करोगे. द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन एल्गी, ओनली डिप्लॉइड स्टेज इज जायगोट. एल्गी की लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड स्टेज अगर कोई पूछे क्या होता है तो वो होता है जायगोट, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट. जायगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस, और जायगोट से हैप्लॉइड बॉडी बनाने के लिए इसको यहाँ पे करनी पड़ेगी जायगोटिक मियोसिस. इस प्रोसेस में किसी को डाउट है क्या, अब ये हैप्लॉइड में आ जाएगा और थैलस फॉर्म हो जाएगा. मेन थैलस हैप्लॉइड है इसलिए उसको हैप्लॉइड में पड़े. एक्सोनीम किस चीज का बना होता है बेटा. इन एल्गी माइक्रोस्टेरियस, एल्गी का नाम कैटेगरी है, एंड माइक्रोमोनास 1 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल. एक ही माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक है. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें बताया है कि कहाँ पे वेरी करता है, कैसे फंक्शन होते हैं उसके, उसी के अकॉर्डिंग एक पॉइंट है ये कि माइक्रोस्टेरियस एंड माइक्रोमोनास एल्गी में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में प्रेजेंट होगी. द प्रोकैरियोटिक एल्गी नेवर हैज फ्लैजेलेट कंडीशन. ठीक है, the eye spot is the photoreceptor part in algae. Chlamydomonas जब हम पाएंगे तो बताएंगे, उसके पास एक eye spot जैसा structure होता है जिससे वो photo sensitivity होती है, light absorb कर सकता है. ठीक है, movement में भी help करता है, इस side से light आ रही है, ये flagellated होता है तो इसको movement के लिए help करेगा. Prokaryotic algae याद आ गया ना, ये क्या है बताना पड़ेगा क्या, बीजीए, ब्लूगिन एल्गी, प्रोकैरियोटिक एल्गी, साइनोबैक्टीरिया. वहां पे एक पॉइंट लिखा आया था कि साइनोबैक्टीरिया के लाइफ साइकिल में कोई भी फ्लैजेलेट नहीं दिखेगा, जो कि फ्लैजेला कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया का, उसी से ये रिलेटेड पॉइंट है. नाउ द एल्गी सेल वॉल इज टू लेयर्ड, ये पढ़ाया ही हुआ है. आउटर पैक्टिन, इनर सेलुलोज, होगा. The outer pectin layer is dissolved slowly in water and form mucilage. Mucilage का formation कर देगा तो वो slippery हो जाएगा. That is the reason of slimy touch in most of the algae. Main component of cell wall is cellulose. In diatom, diatom कहाँ पढ़ाया है बताओ फटाफट. Silicified cell wall. In Kara algae, calcium carbonate deposited in cell wall. In blue green algae, peptidoglycan present in cell wall. एल्गी का मतलब सिर्फ सेलुलोज, ऐसा भी नहीं आंख बंद करके चले जाना एग्जाम में. जहां जहां मैं आपको कंपोजिशन बता रही हूँ और आप अलग अलग जगह पे एल्गी को पढ़े हो उसको भी आपको ध्यान में रखना है. क्राइसोफाइट, वेरी गुड. प्रोटिस्टा में सेल वॉल इज अब्सेंट इन, अब वो कौन से स्ट्रक्चर है एल्गी के लाइफ में जहां पे सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगा, दैट इज जूस्पोर. जूस्पोर जो मोटाइल स्ट्रक्चर है आपको बताया मैंने, वहां पे आपको सेल वॉल नहीं दिखेगा. गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो गैमेट को क्योंकि फ्यूज करना पड़ता है, जैसे सपोज अपना स्पर्म और एग में भी फ्यूजन होता है तो यहाँ पे अगर कोई कमी रहेगी तो क्यों नहीं करेंगे, तो इसलिए उस स्ट्रक्चर में सेल वॉल अब्सेंट होती है प्लांट के भी केस में, एल्गी के केस में. ठीक है, तो जूस्पोर, गैमेट, अमीबॉइड फॉर्म एंड साइफनस फॉर्म, जहां पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा वहां पे आपके सेल वॉल नहीं होगा. अमीबॉइड फॉर्म का गैमेटिक मूवमेंट दिखेगा, वहां पे उस स्ट्रक्चर में भी आपको सेल वॉल नहीं दिखेगा. एंड ज़ूस्पोर आपको पता है, ये सेक्सुअल टाइप का स्पोर एंड गैमेट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, उन दोनों भी केसेस में आपको सेल वॉल नहीं दिखेगी. नेक्स्ट पॉइंट, स्पोर्स आर द सेल. स्पोर और गैमेट का डिफरेंस आना बहुत जरूरी है. ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी कई जगह यूज होगा. स्पोर्स आर द सेल विच जर्मिनेट विदाउट फ्यूजन, मतलब स्पोर
आपको स्पोर है तो ये फेवरेबल कंडीशन, या अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ ज़ूस्पोर है तो ये एक टाइम आएगा जब ये पूरा का पूरा ग्रो कर देगा, ठीक है, यहाँ से नई थैलॉइड बॉडी ग्रो हो जाएगी, क्लियर। इसको के साथ दूसरे स्पोर से फ्यूज करने की जरूरत नहीं है, व्हाइल इन केस ऑफ गैमेट देयर आर ऑलवेज फ्यूजन टेक्स प्लेस, फ्यूजन होगा वहां पे, हमेशा दो गैमेट फ्यूज होंगे और रिजल्टेंट फ्यूज आफ्टर द फ्यूजन जायगोटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, क्लियर क्लियर है ये पॉइंट, स्पोर और गैमेट में डिफ्रेंसिएशन। नाउ एसेटाबुलेरिया एक इम्पॉर्टेंट यूनिसेलुलर एल्गी है जिसकी स्टडी न्यूक्लियस एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने में हम लोग 12th में पढ़ेंगे, वहां पे यूज किया जाएगा, ठीक है। दिस इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है राइजॉइड जैसा लीफी स्ट्रक्चर, और ये ऊपर एक कैसे दिख रहा है कैप उसकी दिख रही है, वो स्ट्रक्चर ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये एक सिंगल सेल ही है। अब आप मुझे बताओ जरा इस सिंगल सेल का जो अरेंजमेंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन से स्ट्रक्चर इस सेल के अंदर है जिन्होंने इस पूरे एसेटाबुलेरिया को ये शेप दे दिया, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ सेल, फास्ट रिप्लाई करो बेटा जरा। एसेटाबुलेरिया एक जिजेंटिक एल्गी है, जायंट शेप होता है इसका साइज, आप लार्जर एल्गी सर्च करोगे तो उसमें भी दिस इज वन अमंग द लार्जेस्ट एल्गी जो सिंगल सेल्ड है, साइज इनकी बहुत जायंट है, उसमें आता है एसेटाबुलेरिया, क्लियर। इसका न्यूक्लियस देखो यहाँ प्रेजेंट है, और ये इसको कट करके दो को अटैच करके कैसे ऊपर ग्रो कर रहा है उसका कंट्रोल न्यूक्लियस के पास है, ये एक्सपेरिमेंट है जो प्रूफ होता है, जिससे न्यूक्लियस के ही पास इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस को आगे उसमें देखा जाता है उस एक्सपेरिमेंट में कि ऊपर का शेप कैसा है। दो टाइप की स्पीसीज लिया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट शेप की, तो एक स्पीसीज का स्टॉक दूसरे स्पीसीज के स्टॉक पे बाइंड दिया जाएगा और उसको ग्रो कराया जाएगा, तो ऊपर के जो ये कैप है उसकी साइज चेंज हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा बिकॉज न्यूक्लियस किसी और का होगा, तो वो जेनेटिक जो थ्योरी है वो हम लोग बाद में देखेंगे। फ्रेश वाटर एल्गी, अब यहाँ पे कोई कॉमन से इसकी प्रोसेस दिख रही है लाइफ साइकिल, जहाँ पे एक ये जो आपको लीफ में ऐसे ऐसे लाइन रेस जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उन सिस्ट के ये सिस्ट हैं, वो सिस्ट रेस होते हैं उन सिस्ट के ओपनिंग से, ठीक है, उन सिस्ट के ओपनिंग में गैमेट्स होते हैं, वो गैमेट मोटाइल होते हैं, फ्यूजन होगा आइसोगैमी टाइप का, कॉपुलेशन जायगोट का फॉर्मेशन, ठीक, उसके बाद मियोसिस एंड देन ग्रोथ, क्लियर। फ्रेश वाटर एल्गी कुछ एग्जांपल नोट डाउन कर लोगे, क्लैमाइडोमोनास, कोई भी मैराइन नहीं देखेगा इसमें, क्लैमाइडोमोनास की स्पीसीज, वॉलवॉक्स मैराइन में नहीं दिखेगी, स्पायरोगायरा मैराइन में नहीं दिखेगी, यूरोथ्रिक्स मैराइन में दिखेगी। स्पायरोगायरा के लिए पॉइंट लिख लो कि ये स्टैग्नेंट वाटर में ग्रो करता है, एंड यूरोथ्रिक्स आपका रनिंग वाटर में ग्रो करता है, क्लियर, एंड बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफाइल फूड। मैराइन एल्गी अल्वा, सी लेट्यूस बोलते हैं इसको कॉमन, सैलेड में ये फाइव स्टार होटलों में एज अ सैलेड यूज होता है सी लेट्यूस, कोडियम एंड कॉलर पाम। नाउ टर्मिनोलॉजी एपिजोइक, एपी मीन्स ऊपर, जोइक मीन्स जू, ठीक है, एनिमल के ऊपर ग्रो करने वाली एल्गी एपिजोइक, एपिफाइटिक, फाइटा मीन्स प्लांट, एपिफाइटिक प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाली एल्गी, ठीक है, तो एपिफाइटिक प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाली, इधर नेम दिया हुआ है आप नोट डाउन कर लेंगे, क्लैडोफोरा ऑन स्नेल शेल, स्नेल देखा है आपने, स्नेल पता है घूंगा, एक एपिफाइटिक प्लांट पे ग्रो करने वाली कोलियोशीट इसका एग्जांपल है, एंडोजोइक इनसाइड, ठीक है, किसी एंडो मीन्स अंदर, जोइक मीन्स एनिमल, किसी एनिमल के अंदर ग्रो करने वाली एल्गी एंडोजोइक, ठीक है, जू क्लोरेला एल्गी है, ग्रो करती है हाइड्रा के अंदर, आई थिंक हाइड्रा भी जानते होगे तुम लोग, हाइड्रा पढ़ा है ना बडिंग में, हाइड्रा का एग्जाम्पल पढ़ाया गया होगा। पैरासिटिक ग्रीन एल्गी जो किसी के ऊपर पैरासिटिक अपीयरेंस, पैरासिटिक एसोसिएशन बना के ग्रो कर रहे हो, हार्मफुल भी हो, ठीक है, सिफेल्यूरस
यूनिसेलुलर मोटाइल क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल क्लोरेला, कॉलोनियल मोटाइल वॉलवॉक्स, कॉलोनी को क्या बोलते हैं सिनोबियम, हर पॉइंट नोट डाउन करोगे बेटा। कॉलोनियल नॉन मोटाइल हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन इस तरीके का अपीयरेंस बनाता है बेटा, इसकी इमेज मैं आज ग्रुप में सेंड कर दूंगी तुम लोग को, तो वो वाटर नेटवर्क ऐसा लगता है कि जैसे पानी पे एक नेट फैला हुआ है, ठीक है, तो इसको वाटर नेट भी बोलते हैं। फिलामेंटस अनब्रांच्ड यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, फिलामेंटस ब्रांच कैटोकोरा, वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटस सीट लाइक स्ट्रक्चर अल्वा, जो आपने अभी सी लेटियस में देखा, वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंटरोमॉर्फा, एंट्रो मीन्स इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आई थिंक सब लोग जानते होंगे, ठीक है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में एकदम कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली दिखता है इनका। क्या हुआ, क्या मैसेज में एक मिनट जस्ट, लास्ट पॉइंट में कुछ नहीं था, फ्रेश वाटर एल्गी और मैराइन वाटर एल्गी के एग्जांपल दिए हुए हैं, बियॉन्ड एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल आपको नोट डाउन करके रखने होंगे, डायरेक्ट अगर ये पूछ लेते हैं कि फ्रेश वाटर एल्गी है या मैराइन वाटर एल्गी है, मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आए तो ये आपको नोट डाउन रहना चाहिए। क्लियर, यहाँ पे आपको जस्ट मैंने कुछ टाइप्स ऑफ एल्गी यहाँ पे लिख रखे हैं, एपिजोइक, एपिफाइटिक, एंडोजोइक, तो ये सब वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा, एपी मींस ऊपर, ठीक है, एंडो मींस अंदर, तो किसी एनिमल के ऊपर ग्रो करने वाली एल्गी एपिजोइक, किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाली एपिफाइटिक, ठीक, फिर अंदर एंडोजोइक, पैरासिटिक रिलेशन बनाने वाली पैरासिटिक, यूनिसेलुलर मोटाइल, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, कॉलोनियल मोटाइल, कॉलोनी में है और पूरी कॉलोनी मोटाइल मोटिलिटी को शो कर रही है तो कॉलोनियल मोटाइल हो जाएगा, कॉलोनियल नॉन मोटाइल, हाइड्रोडिक्टियन इंपॉर्टेंट एल्गी है, इसका इमेज मैं सेंड कर दूंगी आज, फिलामेंटस अनब्रांच यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा, फिलामेंटस ब्रांच्ड क्लैडोफोरा, वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटस, मैंने सेल चैप्टर में बताया हुआ आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर अगर होगा तो दिस वन इज पैरेन्काइमेटस, शीट लाइक अल्वा, वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंट्रोमॉर्फा, एंट्रो में मैंने बता दिया कि ये इंटेस्टाइन का क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से आपको दिखेगा अपीयरेंस, तो एंट्रोमॉर्फा मॉर्फोलॉजिकली वो इंटेस्टाइन जैसे दिखेगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी का अल्टरनेशन है वो वेल रिपोर्टेड होता है क्लैडोफोरा में, इसको यूज किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर, कोई डाउट यहां से, कोई डाउट यहाँ पे किसी को, यहाँ तक क्लियर है सब, जस्ट एक बार पढ़ना है सारे पॉइंट, पॉइंट लिखे हुए, अब आपको यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, उसको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ टर्मिनोलॉजी आपको, क्लियर, जस्ट इसको थोड़ी मेहनत वाली चीज आ गई, सोच रहे थे कि एल्गी खत्म हो गया इससे आराम से हो गया, थोड़ा मेहनत कर लेना नोट्स बनाने हैं, क्लियर, वॉइस क्लियर जा रही है मेरी, ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का चेंज होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट वाला, और ये हम पढ़ाएंगे अभी, इसके लिए वरी मत हो, प्लांट की लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे तो वहाँ क्लियर रहेगा। नाउ जो हम लोग रिजर्व फूड दो तीन तरह फूड पढ़ के आगे बढ़ गए हैं, उसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करना है कि क्लोरोफाइसी में स्टार्च एंड ऑयल ऐसे रिजर्व फूड रहेंगे, ये आपके टेबल में भी लिखा हुआ है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। डेनोफाइसी कुछ और क्लासेस हैं जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है,
तो हमें फियोफाइसी रोडोफाइसी पे फोकस रहना है, बट जेंथोफाइसी का भी पूछ लिया जाता है, उसको भी याद रखना है कि क्राइशोलैमिनेरियन स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट वहाँ पे उनके में, बेसिलेरियोफाइसी एंड जेंथोफाइसी में रिजर्व फूड क्राइशोलैमिनेरियन स्टार्च एंड ऑयल, दीज आर अगेन द डेरिवेटिव ऑफ कार्ब्स. एंथोफाइसी लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटॉल, मैनिटॉल ऑल वर्ड आता है अभी आयोपैक नेम आप जब पढ़ोगे तो दिस इज अ अल्कोहल. ठीक है, अब ये नहीं कि इसको कुछ भी तुम गलत कर दो. अल्कोहल फॉर्म में मैनिटॉल डिपॉजिट होता है एंड ऑयल, ऑयल जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपका लिपिड फैट एस्टेरॉल ट्राइग्लिसराइड्स ये सारी चीज़ें डिपॉजिट होती हैं. इन सब चीज़ों की बहुत लोड नहीं है अभी बायोमोलिक्यूल में, ये सब क्लियर है. जस्ट आपको नोट डाउन कर लेना, एल्गी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इसलिए. प्रोटोफाइटिन एंड गैलेक्टन सल्फेट पॉलीमर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. एनसीईआरटी में से क्लोरीडियन स्टार्च के बारे में बात की है. गैलेक्टन सल्फेट पॉलीमर इज ऑल्सो स्टोरेज ऑफ प्रोटोफाइसी. इन साइनोफाइसी, साइनोफाइसी में साइनोबैक्टीरिया को भी ले आते हैं बेटा. साइनोफाइशियन स्टार्च ग्लाइकोजन, ठीक. साइनोफाइसिन प्रोटीन ग्रेन, दो अलग अलग फॉर्म के, मतलब साइनो आप रख लो कॉमन, ठीक है. साइनोफाइशियन स्टार्च एंड साइनोफाइसिन प्रोटीन, ठीक है. जो ब्लू ग्रीन आप पढ़ते हो ना वो ब्लू कलर के लिए, ये साइनोफाइशियन मैंने बताया हुआ है साइनोबैक्टीरिया में ये, और ग्रीन कलर के लिए क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक. इन एल्गी पैरेनाइड आर द ऑर्गन फॉर फूड स्टोरेज, ऑर्गेनेल लिख सकते हो इसको, ठीक है. क्या स्ट्रक्चर जो आपको फूड स्टोर करता है, इसमें क्या होगा, कल क्वेश्चन पूछा था मैंने, सेंटर में प्रोटीन एंड सराउंडिंग में स्टार्च की शी, कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, क्लोरोप्लास्ट में. दीज आर पायरेनॉइड, सेल चैप्टर में भी मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कहीं से मतलब दो दो तीन तीन चैप्टर से जो कोरिलेट कर रहा है बेटा, उसको आपको फोकस करना पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते ये इस चैप्टर से आया है ये इस चैप्टर से. तो प्रोटीन सेंटर में एंड स्टार्च पेरिफेरी में, क्लियर. These are the characteristics of algae. They are associated chloroplast and chromatophore. Chromatophores क्या होते हैं बताया होगा मैंने. चलो एक क्वेश्चन आज के लिए नोट डाउन करो. What is chromatophores? Now these are proteinaceous core surrounded by the starch sheet. Pyrenite के बारे में, they store starch. Clear? Center में protein and surrounding में starch. Now pigmentation. थ्री मेन टाइप, क्लोरोफिल, कैरेटोनॉइड, स्पाइकोबिलिन. कितने तुम लोग बदमाश हो ना, कल मैंने पिगमेंट पूछा था गूगल करके, मुझे एनिमल जो स्किन का कलर के लिए मेलानिन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है उससे उसको मेलानोसोम सीक्रेट करता है वो आंसर. अभी तक मैंने पढ़ाया है क्या ये चीज़? जो पढ़ाऊंगी तो मैं पूछूंगी भी नहीं. हम लोगों ने पढ़े हैं डिफरेंट टाइप के पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई क्लियर कलर ना हो. बेटे जो पढ़ाया है उस पर फोकस करो. तो क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड, फाइकोबिलिन, दीज आर थ्री मेन टाइप ऑफ पिगमेंट, बाकी सब इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है. तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, क्लियर. क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट इन ऑल एल्गल फॉर्म्स, क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफिल सी फियोफाइसी में अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी क्लोरोफाइसी, ई जेंथोफाइसी. छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, सब आपको नोट डाउन करना है, क्लियर. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को? ऐसा लग रहा है बॉम्बार्डमेंट हो गया एग्जाम पर ना. आई एम जस्ट वेटिंग तो देखते हैं. नाउ कैरेटोनॉइड्स, कैरेटोनॉइड्स में अल्फा कैरोटीन इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सल. अगर आपको हर एल्गी में कौन सा पिगमेंट कैरेटोनॉइड्स में पाया जाता है तो दीज आर बीटा कैरोटीन. नए बच्चे परेशान ना हो, पुराने बच्चे कैरेटोनॉइड क्लोरोप्लास्ट रिवाइज करें सेल चैप्टर से, और नए बच्चे यहाँ पे दोनों सब पढ़ाया गया, ठीक है. गामा कैरोटीन क्लोरोफाइसी में एप्साइलन इस सिंबल को बोलते हैं एप्साइलन, बैसिलेरियोफाइसी में एंड क्रिप्टोफाइसी को. फोकस करना है क्लोरो पीओ एंड रोपे, बट बाकी इन्फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए. लाइकोपीन पिगमेंट, क्लोरोफाइसी, क्लैरिटीन, ये सारा कैरेटोनॉइड जो भी कलर प्रोड्यूस करेंगे वो सब कैरेटोनॉइड्स में आ जाएंगे. साइनोफाइसी ब्लू कलर देगा. क्यूकोजेंथिन
फियोफाइसी, रोडोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, ठीक है, कंसेंट्रेशन का वेरिएशन होगा। ये मत बोल देना फ्यूकोजेंथिन रोडोफाइसी में कैसे आता है, मैंने पहले भी बताया कंसेंट्रेशन वेरी करेगा। मिक्सोजेंथिन, एस्टेक्सेंथिन, एस्टलजेंथिन, क्लोरोफाइसी एंड ल्यूटीन, इसमें आपको देखो याद करने वाला लाइकोपीन है, ल्यूटीन है, फ्यूकोजेंथिन है एंड बीटा कैरोटीन है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट इनके नोट डाउन बनाना, नोट्स बना देते हैं। फाइकोविलिन, सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइको एरिथ्रिन। एरिथ्रिन रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साइनिन फाइकोसाइनिन जो है ये ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक, बट ग्रीन कलर का डोमिनेशन डोमिनेट रहेगा, तो वहाँ पे आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में ये दोनों पिगमेंट दिखेंगे और उसका अपीयरेंस कैसा दिखेगा, ब्लूइश एंड ग्रीन कलर। नाउ नेक्स्ट आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइको एरिथ्रिन, दिस इज द प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोडोफाइसिन। एलो फाइकोसाइनिन ऑल्सो प्रेजेंट इन बीजीए एंड रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी। इसके अलावा बेटा हमें कांच एल्गी पढ़नी है, कारा, क्लैमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा, बॉल्बस एंड बॉल्बस स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, इतनी एल्गी भी हमें पढ़नी है, जो मैं आपको पूरा 11th और 12th का जब कवर हो जाएगा सारा सिलेबस, क्योंकि अभी आप जैसे पैरेन्काइमेटस आ गया था एक, तो आप कुछ चीज़ें नहीं जानते, ठीक, तो जब हम पूरी मॉर्फोलॉजिकली और टिश्यू लेवल पर पढ़ लेंगे तो हम वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मैंशन करेंगे। Now according to NCERT and according to beyond the NCERT, algae के characteristics खत्म हो गए, नहीं आप पढ़े, नहीं आपको प्रिपेयर करके, किसी को भी इस क्वेश्चन से कोई डाउट हो कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, पूछना, लेकिन क्लियर हो जाएगा, ठीक, और सब ये कंप्लीट कर लोगे नोट्स है। चलो बाय बाय, रिप्लाई करो जरा फास्ट, सब अटेंड कर रहे हो सब लोग, सिर्फ ईशा, आलम, श्रावनी, मनाली, चार पास ना पूरे दारोमदार भारत का कैसे ट्राई करने को, बाकी तो पता नहीं भोजन कीर्तन सुनते हैं सपना मैम से या क्या। ओके गुड, पृथ्वी को क्लियर हो गया, पृथ्वी नोट्स बनाओगे बेटा, मनाली क्लियर है बेटा, सार्थक, इकरा, कश्मीरा, मनवा, श्रुति, श्वेत, दिया, क्लियर है आप लोग को, आपको आज के नोट्स में काफ़ी ज़्यादा नोट डाउन करने को है, तो जस्ट नोट डाउन एंड एक बार उसको रीड कर लेना और एनसीईआरटी के पॉइंट्स पढ़ लेना बेटा, सब कंप्लीट है। कोई भी एक टर्मिनोलॉजी जो आप लोग को ना समझना है वो हाईलाइट करो, मुझसे आज के आज पूछो। चलो बाय बाय, टेक केयर।